मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और बात करूँगी TMC सांसद यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को लेकर। नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन के साथ शादी करने के बाद हिंदुस्तान वापस लौटी हैं और आज वो लोकसभा पहुंची और लोकसभा में जो उनका अंदाज सामने आया है उसकी सब लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और हाथों में मेहंदी लगाकर जो नुसरत जहां का लुक सामने आया है, जो उनका उनकी वेशभूषा वहां पर देखने को मिली है, एक नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर बहुत ही सिंपल से अटायर में या सिंपल सी वेशभूषा में ही, साधारण से व्यक्तित्व में भी बहुत सुंदर लग रही हैं नुसरत जहां। और मीडिया के कैमरे भी उन्हीं को फोकस कर रहे थे और जब वो लोकसभा में आई तो उन्होंने शपथ ली और शपथ जो उन्होंने ली वो बंगाली भाषा में ली और उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस किया। और बशीरहट से वो सांसद बनी हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और जिस तरह से उन्होंने शपथ ली है उसका वीडियो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ कि देखिए किस तरह से नुसरत जहां ने शपथ ली। इसके साथ ही एक चीज़ और नोटिस की है हमने वीडियो में और वो खबरों में भी आ रही है कि शपथ लेने के बाद नुसरत जहां ने कुछ ऐसा किया जिसकी चारों तरफ काफ़ी तारीफें हो रही हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं नुसरत जहां, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को फॉलो करते हुए से शादी की है, मांग में सिंदूर लगाया, जबकि ये हिंदुओं में रीति रिवाज है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पूरा एक हिंदू तरीके से लोकसभा में पेश किया है वो कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं। इसके अलावा शपथ लेने के बाद वो स्पीकर के पास गई, ओम बिरला के पास, और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी अब हर कोई तारीफ़ कर रहा है। चलिए हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए और फिर आप खुद देखिए कि आखिर नुसरत जहां ने शपथ लेने के बाद क्या ऐसा काम किया है। देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभार सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे आमी विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतेर संविधानेर प्रति प्रकृत विश्वास ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ संहति रक्षा करिया चलिब एवं जे कर्तव्य भार आमी ग्रहण करिते चलियाछि তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। থ্যাংক ইউ। तो देखा आपने नुसरत जहां ने किस तरह से बंगाली भाषा में शपथ ली और फिर शपथ लेने के बाद उन्होंने साइन किए, साइन करने के बाद उन्होंने धन्यवाद स्वीकार किया, बधाइयां स्वीकार की। उसके बाद वो पहुंची लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास, वहां पर उन्होंने उनके पैर छुए और पैर छूने के बाद आशीर्वाद लिया और हाथ जोड़कर फिर वहाँ से बैग से वो होते हुए फिर से अपनी सीट पर आ पहुँची। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उन्होंने किस तरह से खुद को ढाला है और जाहिर सी बात है कि युवा सांसद बनी है वो, ये सबसे बड़ी बात है। उससे बड़ी बात है कि युवा महिला सांसद बनी है, ये उससे बड़ी बात है। जाहिर सी बात है नुसरत जहाँ के चर्चे पश्चिम बंगाल में पहले हुआ करते थे लेकिन अब पूरे देश में हो रहे हैं और जिस तरह से वो सदन में आज दिखाई नजर आई हैं उसकी भी हर तरफ चर्चाएँ हो रही हैं। उनके साथ ही बंगाली एक्ट्रेस निमी चक्रवर्ती ने भी आज शपथ ली, उन्होंने भी बंगाली में ही शपथ ली। और जिस तरह से नुसरत जहां का जो तरीका नज़र आया है, जिस तरह से उनके चेहरे पर जो डिसेंसी नज़र आई है, कहीं से भी गुरूर, कहीं से कोई घमंड नज़र नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो वो ट्रेडिशनल अवतार में दिखी है सदन में, ऐसा बहुत ही कम लोग दिखते हैं। इससे पहले भी नुसरत जहां कई बार चर्चाओं में आ चुकी हैं, जब वो मिमी चक्रवर्ती के साथ पहुंची थी उस वक्त वो वेस्टर्न लुक में थी और वो अपनी आईडी दिखाते हुए नज़र आई थी, हाथों में आँखों पे स्पेक्ट लगे हुए थे, तब वो अलग वेस्टर्न लुक में थी। लेकिन अब जो शादी के बाद उनका जो लुक सामने आया है वो एकदम अलहदा है, बहुत ही सुंदर हैं उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, वायरल तस्वीरों पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि वो वाकई बिल्कुल डिसेंट लग रही हैं, बिल्कुल अलग तरीके से लग रही हैं। उन्होंने मीडिया को बाइट भी दी है और वो मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया है। लेकिन जिस तरह से वो तुर्की से शादी करके भारत वापस लौटी हैं, पहली बार संसद पहुंची हैं, क्योंकि जब 17 जून को सत्र शुरू हो गया था, बीती 19 जून को उनकी शादी हुई थी, तो ऐसे में उनको समय लग गया और अब जब भारत लौटी तो वो सीधे दिल्ली पहुंची और फिर लोकसभा में उन्होंने शपथ ली बतौर सांसद। इसके अलावा चलिए उनके लुक की अगर बात कर रहे हैं तो नुसरत ने माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और चूड़ा पहना हुआ था और आज उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा पैर छूकर उन्होंने ओम बिरला के आशीर्वाद लिया है और
नुसरत जहां 17वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद का रास्ता उन्होंने तय किया है, वो भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती ने शपथ ली है, मैं आपको बता चुकी हूँ। मिमी चक्रवर्ती के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रीम कलर का चिकनकारी सलवार कमीज पहनकर वो आई थी, बंगाली भाषा में उन्होंने शपथ ली। और अगर मैं बात करूँ नुसरत जहाँ की, तो बीती 19 जून को उन्होंने तुर्की में शादी की अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड निखिल जैन के साथ, वो भी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ शादी की और हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इसके बाद कहा जाता है उन्होंने क्रिश्चियन के रीति रिवाज से भी शादी की है, वेडिंग की है उन्होंने। और जिस तरह से उन्हें नुसरत जहाँ की तस्वीरें शादी के दौरान की भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, इसके अलावा रिंग सेरेमनी उनकी जब हुई थी उसकी भी तस्वीरें वायरल हुई थी। और जब उनका वेलकम किया गया, जब वो वापस भारत लौटी शादी के बाद उनका वेलकम किया गया, तो एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत किया और उनके पति बहुत ही ज़्यादा उनकी केयर करते हुए एयरपोर्ट पर नज़र आए, कैमरे में कैप्चर भी हुई है उनकी तस्वीरें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नुसरत जहाँ एक युवा महिला सांसद बनी हैं, उनके लुक, उनके अटायर, उनकी वेशभूषा को अभी अगर एक तरफा रखा जाए, तो अब उम्मीद ये है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को या फिर पूरे देश की महिलाओं को, जहाँ से वो जिस संसदीय क्षेत्र का वो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रही हैं, सदन में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहाँ की जनता के लिए अब वो क्या करती हैं बतौर एक युवा महिला सांसद होने के नाते, अब इस पर भी नज़र रहेगी। नज़र ये भी रहेगी कि अब युवाओं की तादाद भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। मिमी चक्रवर्ती भी अब पहुँची हैं सांसद बनकर, अब उनसे भी उम्मीद की जाएगी कि वो अभी अदाकारा थी लेकिन अब जनता की सेवा किस तरह से करती हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल नुसरत जहाँ की आज जो शपथ ली है और शपथ लेने के बाद जो आशीर्वाद लिया है, उसकी अब हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना होगा कि नुसरत जहां अब जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती हैं, जितनी सुंदरता उनके चेहरे पर है, जितना नूर उनके चेहरे पर है, उतना नूर क्या उनके काम में झलक पाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। नमस्कार।